एक तो अपने पड़ोसी बड़े अजीब हैं। जरा उधर देखो। हर वक्त बाहर ही खड़े रहते हैं और अपने घर आने वाले हर गेस्ट पर नजर रखते हैं। क्या करूं, उनकी आदत ही ऐसी है। लगता है किसी का इंतजार हो रहा है। हाँ, कुछ मेहमान आने वाले हैं, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। कोई खास ही मेहमान होंगे? नहीं नहीं, आम ही है। आम मेहमान तो आपके घर आधा घंटा घंटी बजाता रहे तो आप दरवाजा नहीं खोलते। वो कहीं अपनी बेटी नीलम के रिश्ते के लिए तो नहीं? आपसे क्या छिपाना, नीलम को देखने के लिए ही लड़के वाले आ रहे। हमें तो पहले शक था, इसलिए हम त्योहारों के बाहर खड़े हो गए थे। क्या मतलब? अच्छे पड़ोसी होने के नाते जैसे ही हमें पता चला कि आपके यहाँ खास मेहमान आने वाले हैं, तो हम लोग जरा तैयार होके बाहर आ गए। यहाँ तक कि हमने अपने नौकर को भी कहा है कि साफ सुथरी कमीज पहन ले। अब देखिए ना, जैसे ही आपके मेहमान गाड़ी से उतरकर इधर उधर नजर दौड़ाएंगे तो उन्हें लगेगा कि एक बड़ी अच्छी लोकेलिटी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो हमारे कारण आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारी इज्जत का इतना ख्याल है। मोहनलाल जी, रिश्तों के मामलों में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, आप कहें तो मैं एक सलाह दूं। देखिए शाहजी, आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन प्लीज आप तब तक सलाह ना दें जब तक हम सलाह खुद ना मांगे। प्लीज डोंट माइंड। माइंड तो क्या करना, लेकिन मोहनलाल जी, मैंने सैकड़ों लोगों के रिश्ते करवाए हैं। शाहजी, रिश्ते के मामले में जब कभी सलाह की जरूरत होगी मैं खुद मांग लूंगा। अरे लगता है वो लोग आ गए, हमारा ही पता पूछ रहे हैं। सुनो सुनो, अंदर चलो, अंदर चलो। अच्छा नहीं लगता। माँ मुझे देखने तो दो, पता नहीं कौन नमन आ रहा है। हेलो सक्सेना साहब, जय हिंद। थैंक यू। आइए, आ रही है। नमस्ते। सक्सेना साहब, घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? एक घंटा लग गया आपका घर ढूंढने में, बिना एड्रेस के बड़ी मुश्किल से मिला है आपका घर। लेकिन मैंने उस दिन एड्रेस लिखवाया तो था आपको। बात यह है, आपके एड्रेस में घर भूला है। मैंने सोचा किसी पान वाले से पूछ लेंगे, आफ्टर ऑल आप एक्साइज के इतने बड़े ऑफिसर हैं, आपका घर तो हर कोई जानता होगा। कहां जी, ये तो इतने सीधे साधे ऑफिसर है कि इनके ऑफिस में ही कई लोग इन्हें नहीं पहचानते। आओ बेटी, ये सक्सेना साहब और ये मेरी बेटी नीलम है। नमस्ते। सिट डाउन बेटा। इंग्लिश में एमए कर रही है, बीए में फर्स्ट डिवीजन आई थी और स्कूल में तो थ्रू आउट फर्स्ट आती रही। बाय द वे, ये मकान आपका अपना ही है ना? जी हाँ, अभी हाल में ही बनवाया है डिपार्टमेंट से लोन लेकर। हमारी जिंदगी की तो सारी कमाई इसी मकान में लग गई। जी आपको तो पता है, ईमानदार आदमी नौकरी में बचा ही कह सकता है, लेकिन हम लोग खुश हैं क्योंकि ईमानदारी की नौकरी में एक अपना अलग ही मजा है। मजा? कैसा मजा? जाओ बेटी, चाय ले आओ। लाई माँ।
सक्सेना साहब जी, आपको विजिलेंस डिपार्टमेंट में आए हुए कितने साल हो गए? साहब सक्सेना साहब को विजिलेंस डिपार्टमेंट में आए करीब 3 साल हो गए हैं। अच्छा, विजिलेंस तो खासा अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि 3 साल के अंदर इन्होंने 3 मंजिला कोठी खड़ी कर ली और शहर के बाहर 3 एकड़ का फार्म हाउस बना लिया। वेरी डैशिंग ऑफिसर भाई, ऐसे अफसर के तो ड्राइवर का ही बड़ा रोब होता है। अजी हमारा क्या रोब, हम तो बस गाड़ी की लॉक बुक एडजस्ट करने में लगे रहते हैं, गाड़ी तो साहब की चलती बहुत है। अच्छा, रोज 3-3 रिश्ते देखते हैं जी, 30,000 किलोमीटर तो रिश्ते देखने में गाड़ी चल गई होगी, अभी और पता नहीं कितना तेल फूकेंगे। फिर तो बस देश का पेट्रोल बचाने का मेरे ख्याल से बस एक ही तरीका है। वो क्या? सरकार को चाहिए आपके साहब के लड़के के लिए खुद जल्द से जल्द लड़की ढूंढ के दे। अच्छा हम चलते हैं। अरे सक्सेना साहब, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? नहीं, ना आती है, हमें दो एक जगह और जाना है और हम लोग जो फैसला करेंगे आपको बता देंगे। धन्यवाद, ये समोसे बहुत टेस्टी। हाँ लीजिए। थैंक यू, आई विल गिव इट टू माय वाइफ। ओके सॉरी, चलो मूव। सक्सेना साहब, अगर आप कहें तो अगले हफ्ते हम खुद ही कॉन्टेक्ट कर लें। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, हम खुद ही आपको बताएंगे जो हमारे आपस में फैसला होगा। बात यह है, जरा समझो, रिश्ते के मामले में जल्दीबाजी अच्छी नहीं होती। ना ना, वो तो ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा चलते। अच्छा अरे छोड़ो, हरी अब हरी अब। अच्छा नमस्ते, कम ऑन हरी अब, गुड नाइट, स्टार्ट। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। मुझे तो कम ही उम्मीद लगती है। मुझे भी कोई उम्मीद नहीं। उन्होंने लड़की के कॉलेज के बारे में, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मम्मी, मैं भी अगले जन्म में लड़का बनूंगी और शादी से कम 10,000 लड़कियां रिजेक्ट करूंगी। बेटी, वो लोग तुम्हें रिजेक्ट करके नहीं जाते, बल्कि मुझे रिजेक्ट करते हैं। जैसे मैं लोगों को बताता हूं कि मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, तो लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुझे लगता है पड़ोसियों की लड़की लड़के वालों को पसंद नहीं आई। ये लड़की उनकी सुंदर है, अच्छी है, कोई ना कोई रिश्ता तो मिल ही जाएगा। बात तो सही है। नहीं जी, बात तो सारी किस्मत की है। अब मुझे देखिए, पढ़ी लिखी हूँ, सुंदर हूँ, मेरे घर वालों ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उन्हें क्या मिला? आप? दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह ना गलत फहमी में मारा गया। कौन सी गलत फहमी? जैसे तुम्हें अपनी सुंदरता की गलत फहमी हो गई है ना, मुझे भी तुम्हारी सुंदरता की गलत फहमी हो गई थी। मुझे तो अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। शादी से पहले जब मैं कॉलेज के लिए निकलती थी तो हजारों लड़के बन सवर के मोड़ों पे, बाजारों में, छतों पे मुझे देखने के लिए खड़े हो जाते थे। साले कुत्ते कमीने। अब हो रही है ना जेलसी? जेलसी तो होनी है, साले सबके सब बच गए। किससे? शादी से, घूरते वो रहे, फंस गया मैं गरीब। वैसे बात तो सही है। ये क्या रट लगा रखी है? बात तो सही है, बात तो सही है। नौकर का काम है मालिक की हर बात को सही कहना और ना नहीं मानना। नौकर तो वैसे अपना समझदार है। आप देखिए ना, कई बार आप इतनी मूर्खतापूर्ण सलाह देते हैं, फिर भी मैं कहता हूँ बात तो सही है। ठीक है ठीक है यार, तुम अपनी रंगीन कमीज उतारो और जाकर बर्तन साफ करो। शाहजी, बर्तनों की बारी तो आज आपकी है, मेरी बारी तो सब्जी काटने की थी, वो हमने मिलजुल के काट ली। ओ बासुन भाई, तुम मोहल्ले में दूसरे नौकरों से ये तो नहीं कहता कि आधे बर्तन मैं साफ करता हूँ? नहीं शाहजी, मुझे आपकी इज्जत का पूरा ख्याल है, मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि सारे बर्तन आप ही साफ करते हो। ओ, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? नहीं शाहजी, नौकरी से पहले यह शर्त थी कि मैं बर्तन बर्तन साफ नहीं करूंगा। ये तो मेरी शराफत है कि मैं आपके तरस खाकर बर्तनों में आपका हाथ बटा देता हूँ। अच्छा अच्छा, उठ यहाँ से। उठ के क्या करना है? फ्रिज में से खीर निकाल के खा ले और जो बच जाए हमें दे देना। ये ठीक है, कम से कम इज्जत का काम तो है। आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? बीपी, नौकरी तो मैं तब करूँ ना अगर मुझे पैसों की कमी हो। बात पैसों की नहीं है, आदमी घर बैठे अच्छा नहीं लगता, और कुछ नहीं तो आपका दिल लगा रहेगा। दिल तो तब लगता ना दीपी अगर नौकरी अपनी पसंद की हो, और मैं नौकरी वहां कर सकता हूँ जहाँ लोग मेरी सलाह माने। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे सलाह देने का शौक है। सलाह कोई किसी की नहीं मानता, आप कोई और काम कर लीजिए बस। दीपी, सलाह की तो हर एक को जरूरत होती है। अब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, हर एक ने अपने सलाहकार रखे होते हैं। आप अपने पड़ोसी मोहनलाल से क्यों नहीं बात करते? आखिर इटियो है,
हो सकता है आपको कोई काम दिला दे। वो मोहनलाल तो बड़ा खुश का आदमी है, उसके दफ्तर में तो जो भी जाता है वो तो रोता हुआ बाहर आता है। बड़ा नालायक अफसर है यार, कब रिटायर हो रहा है ये? अभी तो है एक साल। क्यों जी, आपका क्या हुआ? अरे भाई, ईमानदारी की भी कोई कीमत होती है। देखिए साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि साहब बहुत सख्त है, लेन देन की कोई बात मत करना। लेकिन मैं तो हैरान हूँ यार कि ऐसे ईमानदार अफसर का गुजारा कैसे चलता होगा। देखो ना, मेरे केस में 30,000 रुपए फाइन लगा दिए। मैंने बहुत समझाया कि फाइन से आपको क्या फायदा साहब, वो तो सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें नहीं समझता। अब क्या करे साहब, इनके साथ साथ तो हमारी रेपुटेशन भी खराब हो रही है, समझते ही नहीं। चलो एक साल की तो बात है, निकाल लेंगे किसी तरह। निकाल लो भाई। आज शीला बहन आई थी, अपने राजन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बता के गई है। शीला बहन ने आज तक कभी कोई ठीक रिश्ता बताया है? अरे वो बेचारी तो कितनी दौड़ धूप कर रही है अपने राजन के लिए। पिछले हफ्ते भी वो एक रिश्ता लेकर के आई थी, कहती थी बड़ा अच्छा खानदान है, लड़की के बाप का रेस्तरां है। बाद में पता चला मैडम कि वो शराब की दुकान के आगे बैठ करके उबले हुए अंडे बेचता है। नहीं नहीं, इस बार किसी ईटीओ की लड़की सजेस्ट करके गई है। ईटीओ? कौन सा ईटीओ? ईटीओ है कोई मोहनलाल। मोहनलाल? अरे नहीं नहीं, उसका रेपुटेशन बहुत खराब है। आपको कैसे मालूम? अरे मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह, आज ही उसके दफ्तर में मेरा केस था, 30,000 रुपए का फाइन ठोक दिया उसने मेरे ऊपर। मैंने बार बार हिंट किया कि फाइन छोड़ो यार और बताओ क्या सेवा करूं, लेकिन नहीं, ऑनेस्टी पर लेक्चर देने लगा मुझे। मुझे ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पता उनकी लड़की सुंदर हो और अपने राजन को पसंद आ जाए। अरे मैडम, शादी ब्याह में लड़की नहीं खानदान भी देखा जाता है, उसकी रेपुटेशन भी देखी जाती है। सारा शहर जानता है कि मोहनलाल एक ईमानदार आदमी है, एक तो ईमानदार आदमी, ऊपर से सरकारी अफसर, क्या दे देगा अपनी लड़की को दहेज में। उसने अपने कार तक के सरकार से कर्जा लेकर खरीदी है। टेडी, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि मैं दहेज में कुछ नहीं लूंगा। लेकिन शादी जरूर करवानी है तो ऐसे ही भगा के ले जा किसी छोरी को अपने साथ। बेटा बिना दहेज के शादी के क्या मानी, हुई ना हुई बराबर है। टेडी, शादी मेरी है इसलिए मर्जी मेरी है, जैसे मर्जी करवाऊं, और वैसे भी मुझे दहेज प्रथा से सख्त नफरत है डैडी। अबे उल्लू की दुम, ऐसी विचारधारा लेकर तूने मेरे ही घर में जन्म लेना था ए? डैडी, मैं तो आपसे डोनेशन मांगने वाला था। हम यूनिवर्सिटी में एक एंटी डाउरी कैंपेन कर रहे हैं जिसमें हम कई स्टूडेंट्स मिलकर ये शपथ उठाएंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे। वाह बेटा वाह, मैं तो शुरू से ही कहता था कि तुम्हारा लाडला बेटा एक दिन हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे खानदान की शान किस चीज से बढ़ सकती है। तुम्हारी समझ ही इतनी है, जितना समझ में आए उतना ही करो। लो ये बैंगन बनाओ जाकर। अगर बैंगन बनाने हो तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बैंगन को ना आप पहले साफ पानी से धो लें, धोने के बाद उन्हें काट कर आप अलग रख लें, हैं? उसके बाद प्याज टमाटर का मसाला। आप चुप नहीं रह सकते? नहीं नहीं, मैं तो आपको बैंगन बनाने का एक नया तरीका बता रहा हूँ। मुझे पता है, मैंने पहले सैकड़ों बार बैंगन बनाए हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने मेरे हाथ के बने बैंगन कभी खाए नहीं। लेकिन दीपी, मैं तुम्हें ऐसे बैंगन बनाने का तरीका बता रहा हूँ जो खुशी खुशी खाए जा सके। आप सारा दिन मेरे पास बैठे बैठे सलाह देते रहते हैं, कोई काम धंधा क्यों नहीं शुरू कर लेते? भगवान, हमारे दो शोरूम है, उनका 25,000 रुपए किराया आता है, भला और पैसा कमा के हमने क्या करना है? पैसे कमाओ या ना कमाओ, लेकिन कल से सुबह खाने का डब्बा लेके 9 बजे घर से निकल जाया करो और शाम को 5 बजे से पहले घर मत आया करो। क्यों? मैं सारा दिन आपकी सलाह सुन सुन कर थक जाती हूँ, आप प्लीज कोई काम धंधा शुरू कर लें। टीपी, मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद अपना और सारे घर का ख्याल रखना। पहले भी तो मैं ही ख्याल रखती हूँ, आप जाइए, आपको देर हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी है मेरे पास एक आध मिनट, अगर मेरी आरती उतारनी हो तो तुम उतार सकती हो। शाहजी, शाहजी, आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, आपकी नई दुकान में आपके साथ हाथ बटाऊंगा। शट अप, डोंट फॉरगेट कि तुम एक डोमेस्टिक सर्वेंट हो, मुझे चाहिए वहां एक कमर्शियल सर्वेंट जो मेरी तरह इंटेलिजेंट हो, पढ़ा लिखा हो, जिसकी सुर मेरी सुर से मिलती हो।
झगड़ा हो जायदाद का दमी कया औलाद का ओ झगड़ा हो जायदाद का दमी कया औलाद का कोठी अपलाट का ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस फ्यूचर कर ले ब्राई मान मेरी एडवाइस अक्सर तेरा पाजी हो बीवी करना राजी हो हाँ अक्सर तेरा पाजी हो बीवी करना राजी हो हार गया तू बाजी हो ओ ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस फ्यूचर कर ले ब्राई मान मेरी एडवाइस शादी की एडवाइस शादी की एडवाइस चोरी तेरी पकड़ी जाए किस्मत तेरी चक्री खाए हाँ चोरी तेरी पकड़ी जाए किस्मत तेरी चक्री खाए पैसा न धेला कड़की हाय ओ ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस ले ले प्यारे सलात ले ले मान मेरी एडवाइस मामा चाचू हूँ हा मोसा ताऊ हा जीजा साली हूँ हा मम्मी जी डैडी जी मैंने तो इन्हें बहुत समझाया कि दुनिया में किसी को आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं। दुकान ही खोलनी है तो कपड़ों की खोलो, गहनों की खोलो, सैंडलों की खोलो, लेकिन ये मानते ही नहीं। कहते हैं सलाह देने की दुकान खोलूंगा। भाई बड़ा अजीब शौक है शाहजी को। खैर मैं तो फिर भी खुश हूँ, इन्होंने कोई ना कोई काम तो शुरू किया, नहीं तो घर बैठे बैठे मेरे कामों में से नुक्स निकाला करते थे। वैसे कोई आता भी है सलाह लेने? भगवान जाने, पर यह है कि दोनों मालिक नौकर सुबह रोटी का डब्बा लेके दुकान पे पहुंच जाते हैं, चाहे वहां जाके सो ही जाते हो। और पंप, वो भी पंप, अबे सो गया बे पंप। शाहजी, जब मैंने आपके यहाँ नौकरी की थी तो आपके सामने एक ही शर्त रखी थी। वो क्या भाई? वो ये कि मुझे तनख्वाह में 40-45 रुपए कम दे देना, मगर मेरे नाम के साथ मिस्टर जरूर लगाना, मिस्टर। सॉरी मिस्टर पंप, एक्चुअली क्या है कि मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखिएगा। क्या है शाहजी कि मैं नौकरी वहीं करता हूँ जहाँ मेरी थोड़ी इज्जत हो। मिस्टर पंप जी, अरे 20 दिन हो गए हमें ये दुकान खोले हुए, लेकिन एक भी आदमी सलाह लेने नहीं आया, हालांकि हम मुफ्त सलाह देते हैं। शाहजी, हम यही गलती करते हैं भाई, लोग सोचते हैं वो सलाई क्या होगी जो मुफ्त में मिले। देखो मिस्टर पंप, तुम्हें तो पता ही कि ये दुकान मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं खोली जी, मुझे तो बस सलाह देने का शौक है। अब मेरी बीवी, मेरे रिश्तेदार मेरी सलाह नहीं मानते, अब मैंने किसी ना किसी को तो सलाह देनी है ना, मैं सलाह दिए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा अच्छा, शाहजी मैं आपको एक सलाह दूं? अबे अबे शर्म नहीं आती, वो मेरी दुकान पे मुझे सलाह दोगे? नो, नेवर, कभी नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं शाहजी, मैं सलाह इसलिए देना चाहता हूँ जिससे कि दुकान तो चले, अपनी दुकान। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सलाह दे दो, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं सलाह मानूं या ना मानूं। आप अपनी सलाह की कीमत रखें, कम से कम 50 रुपए, हो सके तो 100 रुपए रख लें। 100 रुपए, 50 रुपए,
ओ भाई 50 रुपए में कौन सलाह लेने आएगा? आप एक बार बोर्ड पर रेट लिखकर तो देखें। ठीक है भाई, देख लो, रेट लिखकर ही देख लो। ओके ओके। कहाँ ढूंढूं? हैं? शाहजी की दुकान, हर सलाह 50 रुपए, लूं कि ना लूं? अरे साहब अंदर आइए, बड़ी से बड़ी चीज की 50 रुपए में सलाह मिलती है, आप बैठिए तो सही। आइए। लेने तो मैं सलाह ही आया हूँ, लेकिन तुम्हारा रेट बड़ा हाई है, 50 रुपए में सिर्फ एक सलाह? नहीं नहीं, पैसे आप रहने दें, आप बस सलाह मांगिए। क्या मतलब मुफ्त सलाह? मतलब ये है भाई, 50 रुपए की क्या वैल्यू है, हैं जी? शाहजी तो आपको इतनी बड़ी बड़ी सलाहें देंगे जो आपको 5,000 रुपए में नहीं मिलेंगी। भाई साहब पहले आप इन्हें अपनी प्रॉब्लम तो बताएं। भाई साहब, मेरी बीवी 3 बार घर छोड़कर भाग चुकी है और 3 बार बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढ कर लाया था, आज फिर भाग गई है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आप ऐसा करें कि फौरन अपने ब्रेन की स्कैनिंग करवाएं। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कोई नुक्स है। अगर दिमाग का छोटा मोटा ऑपरेशन भी करवाना पड़े ना तो करवा लें। भाई साहब, भागती मेरी बीवी है और दिमाग में अपना चेक करा लूं? भाई साहब, अगर किसी समझदार आदमी की बीवी एक बार भाग जाए तो उसे कभी ढूंढने नहीं जाता, आप उसे 3 बार ढूंढ चुके हैं। वाह शादी वाह, पहले ये बात मेरी खोपड़ी में कभी आई ही नहीं। अगर मैं उसे पहले ही बार ढूंढ कर न लाता तो किस्सा वही समाप्त हो जाता। ये रही आपकी इसमें। ये लीजिए 50 रुपए। शाहजी आपने तो मेरी अकल का फाटक खोल दिया। अब उसे दोबारा बंद मत होने देना भैया। कभी नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है हमें सक्सेना जैसे लोगों के टेलीफोन का इंतजार तो नहीं करना चाहिए, क्यों? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप अखबार में ऐड क्यों नहीं दे देते? आजकल ज्यादातर रिश्ते इसी तरह हो रहे हैं। मम्मी आप मेरी पढ़ाई तो पूरी हो लेने दो, अभी मेरा एमए में पूरा 1 साल बाकी है। बेटी तेरे डैडी की रिटायरमेंट में भी 1 ही साल बाकी है और हम दोनों चाहते हैं कि तेरी मंगनी उससे पहले हो जाए। आपको तो फजूल में जल्दी पड़ी हुई है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। मेरी मानिए और आज ही पेपर में ऐड दे दीजिए। यही ना, she wanted a tall and educated boy for my beautiful girl, father excise and taxation officer, but honest. बस इतना ही काफी है, फिर देखिए कितनी चिट्ठियां आती हैं। और हाँ ये लिखना मत भूलिएगा कि लड़की घरेलू है। आजकल के लड़के घरेलू लड़कियां पसंद नहीं करते। तो नीलम कौन सी सिर्फ घरेलू है? अरे वो टेनिस, स्विमिंग, ड्राइविंग सभी कुछ तो जानती है, स्कूटर चलाने में तो एक्सपर्ट है। हाय नीलम। हाय। अरे ये कॉलेज में क्या हो रहा है? ये हमारा प्लेज फॉर्म है जिसमें लिखा है कि हम लोग दहेज नहीं लेंगे, और इस प्लेज फॉर्म पर आप साइन कीजिए, अपना नाम और पता लिखिए। राइट। वो सेकंड ईयर के लड़कों को कौन बुलाने गया यार? मोंटी गया यार। मोंटी गया ना? हाँ। और रमेश, रमेश को बुलाओ यार, अपने बंदे कहाँ जा रहे हैं? रमेश को बुला के साइन करवाओ, इधर आओ यार। चल तेरे को बुला रहे हैं। ओके थैंक्स अ लॉट। ओ यार कहाँ था तू? साइन कर। करता हूँ यार। ये सब ढोंग है, यू नो, लीडरशिप स्टंट। अरे अरे एक्सक्यूज मी गर्ल्स, एक तो हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं, ऊपर से आप हमें ढोंगी बता रहे हैं। देखिए अगर आप हमें एनकरेज नहीं कर सकती तो प्लीज एटलीस्ट डोंट डिस्करेज अस। छोड़िए मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, हम जानती हैं कि ये सिर्फ एक ढोंग है, कल जब तुम्हारी शादी होगी तो ये प्लेज, ये कसम कहीं नजदीक भी नहीं दिखाई देगी। सब लड़के एक जैसे नहीं होते मैडम। होते हैं, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, दहेज के नाम पे सभी की जुबान से लार टपकती है। ए मिस, जो भी तुम्हारा नाम है, नीलम, मिस नीलम आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड भेजूंगा और आप खुदा के चेक कर लीजिए कि मैंने कितनी डाउरी ली। गॉट इट? ठीक है, मगर मुझे अपनी शादी का कार्ड भेजना ना भूलना, क्योंकि अगर तुम्हारा कार्ड नहीं पहुंचा तो मैं समझूंगी कि तुमने डाउरी ली है। ओके ओ श्योर।
Is that a promise? Promise. चलो भाई. You know, ये तो हमारे पेरेंट्स ही जानते हैं कि ऐसा लड़का ढूंढना कितना मुश्किल है जो कि लालची ना हो. 3 हफ्ते हो गए पेपर में इश्तेहार दिए हुए पर अभी तक एक चिट्ठी भी नहीं आई. कहीं आपने अपना एड्रेस गलत तो नहीं लिखवा दिया? नहीं, मैंने एड्रेस बिल्कुल ठीक लिखवाया. चेक किया मैंने. फिर तो अपना पोस्टमैन जरूर चिट्ठियां गोल कर जाता होगा. हो सकता है. अपने ये पोस्टमैन है बड़ा अजीब. आने दो, पूछता हूँ उसे. आपकी चाय. थैंक यू डार्लिंग. थैंक्स. वाह क्या बात है. ओ साहब, आपके मामा जी का लड़का जो चोरी में पकड़ा गया था उसकी जमानत हो गई है और दूसरा लड़का बीएससी में फेल हो गया है. उसने जूस की दुकान कर ली है. लेकिन ये तुम्हें कैसे पता भाई? ये चिट्ठी में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा बोला है. यार तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चिट्ठियां मत पढ़ा करो. और माफ करना, आपके रिश्तेदारों की चिट्ठियां पढ़कर ज्यादा मजा नहीं आता, बड़ी ड्राई होती है. ठीक है यार, तुम अपना काम करो, जाओ चिट्ठियां बांटो. अरे भाई पोस्टमैन. हाँ जी आया. हाँ जी. मेरी कोई चिट्ठी नहीं आई. ओए आपका तो 6 महीने से ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्र, ना कोई लेटर, ना कोई खत, कुछ भी नहीं आया. आपने तो यूं ही लेटर बॉक्स बना रखा है. कहीं तुम मेरी चिट्ठियां घुमा तो नहीं देते? मुझे आपकी चिट्ठियां घुमाने का क्या फायदा? इसलिए कि तुम्हें कहीं चिट्ठियां बांटनी ना पड़े. भाई साहब, आप मेरे पास झूठा इल्जाम लगा रहे हो. अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, अगर हफ्ते भर में मेरी चिट्ठियां नहीं आई तो हेड पोस्टमास्टर से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा. लगा दो, मैं डरता नहीं हूँ. अच्छा पोस्टमैन भैया, लड़ने झगड़ने से क्या फायदा, एक दो चिट्ठियां खुद लेकर इनके लेटर बॉक्स में डाल दिया करो. इसमें क्या है यार? ओ श्रीमान जी, शायद आपको पता नहीं, मेरी ड्यूटी चिट्ठियां बांटने की है, लिखने की नहीं. यार बड़े कामचोर आदमी, यार 2 चिट्ठियां नहीं लिख सकते? अगर आपकी शिकायत होगी ना तो फजूल इंक्वायरी चलती रहेगी. नहीं, मुझे इसके लिखी हुई चिट्ठियां नहीं चाहिए. और क्या भाई, आपको क्वीन एलिजाबेथ चिट्ठियां लिखेगी? शाहजी, मैंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए 3 बार इश्तेहार निकलवाया, 3 बार में 1 बार भी चिट्ठी नहीं आई. ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? इसमें या तो आप में नुक्स है या आपकी बेटी में नुक्स है. क्या? आपने जो कानपुर के लिए कॉल बुक कराई थी लग गई है. हाँ, जल्दी आइए. हेलो कैप्टन प्रसाद. हाँ मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ. हाँ, नमस्कार. जा नहीं, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैंने अपनी बेटी के पर्टिकुलर से फोटोग्राफ्स आपको भेजे थे. जी हाँ, आपके भांजे के लिए. जी हाँ, मैं क्या कह रहा था, कई बार पर्टिकुलर मतलब फोटो से असली बात का पता नहीं चलता है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को लेके खुद ही आपके पास चला आऊं. जी हाँ, लड़की की मंगनी हो गई आपके भांजे की? हेलो, हमारी बेटी के ग्रह ही ढीले हैं. हेलो नीलम. हेलो, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू. तुम्हें याद है हम उस दिन एंटी डाउरी कैंपेन में मिले थे? अरे हाँ याद आया. मैं यही सोच रहा था कि उस दिन तुमने मुझे अपना नाम तो बता दिया लेकिन मेरा नाम तो पूछा ही नहीं. मैंने जरूरत ही नहीं समझी. अरे भाई, मैं जब अपनी शादी का कार्ड तुम्हें भेजूंगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये मेरी शादी का कार्ड है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. आई एम राजन. हेलो, मैं फाइनल में पढ़ता हूँ. और मैं एमए फर्स्ट ईयर में. अरे बड़ी हैरानी की बात है, हम एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और मैंने इससे पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं. मुझे क्लास से बाहर घूमने का शौक नहीं, बस क्लास अटेंड की और सीधा घर. वो तो मुझे आज प्रोफेसर राघवन की किताब की जरूरत थी, इसीलिए लाइब्रेरी आई थी. ओ, प्रोफेसर राघवन की किताब. एक्चुअली बुक ना तो तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगी ना बाजार में, बिकॉज द बुक इज आउट ऑफ प्रिंट. ओह, लेकिन मेरे पास वो किताब पड़ी है, अगर तुम्हें चाहिए तो कल ला दूंगा. ओह प्लीज, I shall be very thankful to you. नहीं, अगर तुम्हें किताब बहुत जरूरी चाहिए तो मैं आज शाम को भी तुम्हारे घर ला के दे सकता हूँ. नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं. आप मुझे कल ही दे दीजिए, 11 बजे लाइब्रेरी के बाहर. As you wish. Okay then. See you tomorrow, 11 बजे लाइब्रेरी के बाहर. Sure. Bye. Bye. मम्मी, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है या काफी अच्छी है? काफी अच्छी है.
और इस ड्रेस में तू बहुत सुंदर लग रही है। ये इन पीले कपड़ों में मैं काली तो नहीं लग रही? क्या बात है बेटी, इतनी अच्छी तरह तो तू तब भी तैयार नहीं होती जब लड़के वाले तुझे देखने आते हैं। कुछ नहीं माँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बाय। शालू। हेलो शालू, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ? 10:30। थैंक गॉड, मुझे लगा शायद मेरी ही घड़ी बंद पड़ गई है। थैंक्स अ लॉट। ओए चाय और बनाना साहब। चाय। थैंक यू साहब। ये घड़ी आपने नहीं ली है? नहीं, पुरानी है। पुरानी है, फिर आप इसे बार बार क्यों देख रहे हैं? पिछले 10 मिनट में 100 बार देख चुके हैं आप इसे। हाँ, मैं देख रहा था कि घड़ी शायद स्लो चल रही है। हाँ, मेरा ख्याल है मैं इसकी सफाई करवा ही लूं। ओए भाई, हाँ भाई, कितने पैसे हुए? साहब 6 चाय के 6 रुपए। 6 चाय? कमाल है, मैं बैठे बैठे 6 चाय पी गया। मुझे लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना पूरे महीने में आप 6 चाय नहीं पीते। हाँ, वो कुछ सर्दी लग गई शायद, इसलिए पी गया। देखना साहब, आजकल मौसम ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आपको बुखार हो जाए। हाँ यार, लगता है बुखार होने वाला। संभाल के। अच्छा भाई। अच्छा जी, थैंक यू। हेलो नीलम, हाउ आर यू? हेलो। ये किताब जो तुम्हें चाहिए थी। थैंक यू, मैं 1-2 दिन में तुम्हें लौटा दूंगी। नो प्रॉब्लम, मुझे तो इस साल चाहिए नहीं ना। ओके थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, कहीं बैठ के चाय पीते हैं? क्यों? वैसे ही क्या है कि मैंने सुबह से चाय पी नहीं थी, मैंने सोचा चाय तो पीनी है, इकट्ठे पी लेंगे। कहाँ पिलाओगे, डिपार्टमेंट के कैंटीन में या किसी रेस्टोरेंट में? नहीं नहीं, किसी रेस्टोरेंट में पीते हैं, क्या है कि कैंटीन की चाय तो रोज ही पीते हैं ना। ओके लेट्स गो। अब प्लीज। तुम्हें चलानी तो आती है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। डैम इट, पता नहीं क्या हो गया, ये तो एक्चुअली हाफ किक में स्टार्ट हो जाता है। तुमने चाबी तो लगाई ही नहीं है? ओह माय गॉड, चाबी तो मैं लगाना भूल गया। अब एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। वो क्या है कि जब मैंने तुम्हें चाय के लिए इनवाइट किया ना, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे, और तुमने एकदम से हाँ कर दी तो मैं घबरा गया। कोई नहीं, भले मटर पनीर, राजमा चावल, मटन, कोई ससुराल से आया है? घबराइए नहीं, ससुराल से कोई नहीं आया। अच्छा, लेकिन फिर इतनी चीजें कैसे बना ली तुमने? आपका दोस्त आया सेठी लुधियाने से। वेरी गुड, लेकिन उसके लिए भी इतनी चीजें बनाने की क्या जरूरत थी? एक दाल सब्जी काफी थी। ये सब्जियां वो खुद लेके आया है। अच्छा। और फ्रूट की एक पेटी भी लाया है। वेरी गुड।
तुम्हारे लिए शर्ट और मेरे लिए साड़ी भी है। फिर तो जरूर से कोई ना कोई काम होगा, बिना काम के तो इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं, वो है कहाँ? यही डाकखाने तक गया है चिट्ठी डालने, आता ही होगा। ओए पप्पू! एक तो इसे पप्पू कहने की बहुत बुरी आदत है। ओए एडवाइजर! यार तूने कमाल कर दिया। और मैं तो कमाल ही करता है बाईगार्ड। बाईगार्ड कमाल कर दिया तूने यार। कमाल ही करता है तो बाईगार्ड। यार वाकई कमाल कर दिया तूने। कमाल। पर मैं कड़ा कमाल किता भाई। हाँ पर तू आया यार, तूने टाइम निकाला यार। सो तो है, सो तो है। क्या था कि तेरे को मिलने का बड़ा दिल करा था बाईगार्ड। थोड़ा काम भी था। मैं सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। हर बार होटल में ठहरता हूँ, इस बार अपने घर में ठहरूंगा। इसलिए आप होटल समझिए ना। मतलब तू बिल तो नहीं लेगा? बिल ले लेंगे। पप्पू तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई अभी तक? यार पप्पू पप्पू ना कहकर तू तो कह के चले जाता, बाद में मेरी वाइफ मुझे एक परजाई। ना ना, इनका मतलब ये है कि जब आपको यहाँ पूरा आराम मिल सकता है तो आपको होटल में ठहरने की क्या जरूरत है। वैसे भी अब ये यहाँ ठहर ही गया तो अब क्या हो सकता है। चलिए छत पे चल के बातें करते हैं, तेरी बातें में कुछ ऐसी होती है ना। ना ना ना, अब तो मेरी रोटी भी वेजिटेरियन हो गई है और मेरी बातें भी। मालक चलिए चलिए, टेबल पे खाना लग चुका है। आओ जी आओ, आओ जी आओ। ओए ओ मीट यार, तूने तो छोड़ दिया यार। ओ कल ही छोड़ा है। फिर ओ कल फिर छोड़ दूंगा यार। आप कितने बजे चले थे लुधियाना से? प्रजा जी रात को कोई 10 बजे बैठा था ट्रेन में। बड़ा रश था बाई गॉड, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। ओ यार पांव धरने की जरा भी जगह नहीं थी। फिर तू किसके पांव पे खड़ा हो गया? ओ पागल है, मैं तो आराम से सोकर आया हूँ। बड़ी मेरा यार मालक। कैसे? कुली को 10 रुपए दिए, उसने सामान फेंक दिया खिड़की से अंदर। एक आदमी को 30 रुपए दिए, उसने दिला दिया सिटर। एक आदमी को 50 रुपए दिए, उसने दिलवा दिया स्लीपर। बड़ी मेरा मालक। इसकी तो शुरू से यही हालत है। कॉलेज के दिनों में प्रोफेसर के बच्चों को खिलौने देके तो ये पेपर वाला करवाता था। अच्छा यार बात यह है कि मुझे यहाँ पर एक ईटीओ से काम है, चुंगी पर मेरा 12 लाख का माल फंसा हुआ यार। ईटीओ? कौन ईटीओ यार? एक ईटीओ तो हमारे बगल में भी है। मोहनलाल है कोई? मोहनलाल वो तो हमारे पड़ोसी है। क्या भाई, वो मोहनलाल वो अफसर आपका पड़ोसी है? मालक। यार वो आदमी कैसे है? तेरी बंती उसके साथ? बंती तो ठीक है, लेकिन वो आदमी ना कुछ पुराने ख्याल का आदमी है। और छठ परे यार, ख्याल बदलने में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट एक बार मिला दे पप्पू। पप्पू अपने आप मिले यार। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, एक बार मिला दे, बस एक बार है, एक बार। कब कब? आज आज शामी? चल ठीक है यार, शाम को ही सही। मालक आपकी तारीफ। ये मिस्टर सेठी हैं मेरे दोस्त। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ बैठ जी। सर जी, सर जी शाहजी तो बड़ी तारीफ करते हैं आपकी बाईगार्ड। शाहजी अब हम तारीफ के लायक कहाँ है भाई? बात तो सही है। सर जी हमने शाम को 2-3 दफा फोन करवाया आपके घर पे, तो पता लगा आज साहब जी लेट आ रहे हैं। हाँ मैं ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी था। बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है जी आपकी बाईगार्ड। डिफिकल्ट साहब? एक आदमी का माल चुंगी में फंस गया। अच्छा तो आपने निकाल दिया होगा? जी नहीं, he was trying to bribe me, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस बुलवानी पड़ी। पुलिस? पुलिस। अब पुलिस से क्या कह रहा था पता है? I was trying to take a bribe, माने मैं रिश्वत मांग रहा था उससे। पुलिस को तो मेरे रेपुटेशन का पता ही है, यू नो दैट। शाहजी कर ले बात भाई। क्या बात करूं? नहीं कुछ नहीं सर, ऐसे ही जरा आपसे मिलना था। क्या ही? ये पप्पू। पप्पू शाहजी आप जरा बाहर। क्यों शाहजी? सर एक मिनट, आप कर लें बाहर, कर लें बैठ जी। सर जी वो, सर जी वो ये हटाइए सर, निकालो सर, चलो निकलो। शाहजी आइंदा ऐसे आदमी को कभी हमारे घर में मत लाना। तसल्ली हो गई भाई? तो तसल्ली तो हो गई यार, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये आदमी अपने बाल बच्चे पालता कैसे होगा। वो बाल बच्चे इसके ज्यादा है ही नहीं, इकलौती बेटी है, उसकी शादी होने वाली है। कमाल है यार, ऐसे आदमी की बेटी से शादी करेगा कौन?
इन सब लड़कियों की फोटो मैं वापस कर रहा हूँ, और इनमें से भी मुझे किसी लड़की का बाप दमदार नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की का बाप इनमें से 20-25 लाख खर्च कर सकता है। तो आप इन लड़कियों की फोटोग्राफ्स मंगवाते क्यों हैं? आप इनके माँ बाप की फोटोज मंगवाया कीजिए, उनकी जायदाद के प्रूफ मंगवाया कीजिए। अरे डैडी, ये तस्वीर अब इसी केस को ले लो। इस लड़की का बाप ईटीओ है, वो उससे तो लाखों की मुर्गी लगता है, लेकिन बेचारा सिंपल सा आदमी है, अपनी तनख्वाह में ही खुश है। डैडी, मैं इस लड़की को जानता हूँ। कैसी लड़की? अरे ये तो वही लड़की है जो शीला बहन ने सजेस्ट की थी। मम्मी, लड़की तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पसंद है ये लड़की? हाँ, पसंद ही है मम्मी। और लड़की भी तुम्हें पसंद करती है? मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे पसंद करती है। अच्छा, आप जरा बात चला के तो देखिए। अरे बात क्या चलानी, वो तो मान ही जाएंगे, लेकिन हमें भी तो खानदान पसंद आना चाहिए। आप घर बैठे बैठे बातें मत बनाओ, उनके घर तो होके आओ। प्लीज डैडी। जी बेटी, तुम्हारे पापा घर पर हैं? पापा तो घर पर नहीं है, लेकिन मम्मी है। अच्छा, मम्मी है? जी हाँ। आप अंदर आइए ना, मैं बुला देती हूँ। आइए ना, आइए बैठिए। मैं अभी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। अच्छा, बैठिए ना। जी नमस्ते। ओहो नमस्ते, मुझे वेदराज कहते हैं। शीला बहन ने आपकी बेटी के रिश्ते के बारे में मुझसे बात की थी। अच्छा अच्छा, बैठिए। जी हाँ, मैंने अपनी लड़की का फोटो भेजा था, आपको मिल गया होगा। वो क्या है कि मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो आपकी बेटी नीलम को जानता है। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? राजन, एमए में पढ़ता है। हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपकी बेटी को भी हमारा बेटा पसंद होगा। हमारी बेटी तो गऊ है, गऊ जहाँ हम कहेंगे वही मान जाएगी। ये अगर आपका बेटा उसे पसंद है तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, हमारी 7 पुश्तों में भी किसी ने बिना दहेज के शादी नहीं की। हमारे 2 भाई तो इस दहेज की प्रथा को बरकरार रखते हुए 2 बार जेल भी जा चुके हैं। हमारे पूर्वजों का कहना था कि बिना दहेज के लड़के की कीमत पता नहीं चलती। लाल साहब ने तो तमाम उम्र ईमानदारी से नौकरी की, फिर भी बेटी की खुशी के लिए हमसे जो बन पड़ेगा जरूर देंगे। मम्मी, मुझे रिश्ता पसंद नहीं। क्यों? इनसे कहिए यहाँ से चले जाए। बेटी, ये तू क्या कह रही है? आप अपने बेटे राजन से जाकर कहिए कि दहेज के विरुद्ध झूठे नारे लगाकर अपना गला ना थकाया करे। ठीक है, मैं तो इसलिए यहाँ पर आया था कि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हाँ, मैं राजन को जानती हूँ, बल्कि अब तो और भी अच्छी तरह से जान गई हूँ, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। क्या, नीलम मुझसे नफरत करती है? नहीं डैडी, ये कैसे हो सकता है? आप जरूर किसी और लड़की से मिलके आए हैं। अरे आज उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया, कल को तेरी बीवी बनकर आ गई तो मुझे यहाँ से भी निकाल देगी। अरे डैडी, नीलम बहुत सुलझी हुई लड़की है। डैडी, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, ना वो ऐसा कर सकती है ना वो ऐसा करेगी। अरे नीलम चाहे सुलझी हुई हो या ना हो, लेकिन मैं बहुत सुलझा हुआ हूँ बेटा। मैं तेरी शादी ऐसे खानदान में हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि कोई बात करने की तमीज नहीं, और उसके बाप की रेपुटेशन ऐसी है कि न तो उससे कोई बिजनेसमैन खुश है न कोई दफ्तर का मुलाजिम। और सुनाओ राम भरोसे, क्या हाल चाल है? हाल तो भैया राम भरोसे ही है, हाल का क्या होना है, हमारे तो सारे सेक्शन का ही बुरा हाल है। क्यों, ऐसी क्या बात है? भैया क्यों चले पर नमक छिड़कते हो, तुम्हें तो मालूम है हमारा साहब सिर्फ नाम का ही साहब है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है लेकिन किसी से 5 रुपए तक नहीं लेता, और इसलिए हमें कोई 5 पैसे तक नहीं देता। तुम कहीं इधर उधर बदली क्यों नहीं करवा लेते? अरे किसी और ईटीओ के पास लग जाओ। हाँ, मेरा एक साला है मिनिस्ट्री में, बहुत बड़ा चपरासी है, उसकी सिफारिश लड़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, अगर सरकारी नौकरी करनी हो तो कोई टॉर तो होने चाहिए। अगर कुछ दिन तुम लाल साहब के साथ रहे तो तुम्हारी रेपुटेशन भी लाल साहब जैसी हो जाएगी। भैया हम तो राम भरोसे हैं, कभी तो हमें अच्छा साहब मिलेगा। राम भरोसे जी, मैं जा रहा हूँ जी, दोपहर के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा जी। अच्छा, मुझे कुछ काम है, आप चल रहे हैं? यस सर, मैं भी चल रहा हूँ।
देखा, इतनी बड़ी पोस्ट पर लगा है फिर भी घर जाता है। अक्लमंद तो छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर लगाते हैं। मैरिज, मैरिज की स्पेलिंग इन्होंने अब तक ठीक नहीं कराई। पिछले दफा ही बोल के गया था मैरिज का खाक ठीक करवाएंगे। फिर भी लेट्स ट्राई। नमस्कार। आइए आइए लाल साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं अपनी बेटी के कुछ पर्टिकुलर्स देके गया था, तो उसके लिए कोई मैच या मतलब कोई अच्छा रिस्पांस मिला क्या? बड़ी हैरानगी की बात है कि आप इतने बड़े ऑफिसर हैं और आपकी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। पर ऐसी क्या बात हो गई? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। लड़की के पर्टिकुलर्स और आपके स्टेटस को देखकर पहले तो हर कोई प्रभावित हो जाता है, लेकिन दो चार रोज के बाद पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। मुझे लगता है कि वो आपके दफ्तर का चक्कर लगाकर आपके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि लड़की के बारे में आज तक किसी ने कोई नुक्स नहीं निकाला। वैसे नीलम में कोई नुक्स है ही नहीं। सुंदर है, स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, घर का काम काज जानती है, उसे तो रिश्तों की कमी होनी नहीं चाहिए। वैसे रिश्तों की तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, बस हमें ही कोई लड़का पसंद नहीं आता। ओ, हर रोज इतनी चिट्ठियां आती हैं कि उन्हें छांटना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अरे हाँ, शाहजी ने जो सलाह देने की दुकान खोली थी उसका क्या बना? वो दुकान तो बहुत बड़ी कंसल्टेंसी बन गई है। पहले तो इन्होंने शौक शौक में टाइम पास करने के लिए दुकान खोली थी, लेकिन अब ग्राहक इतने बढ़ गए हैं कि इन्हें सर खुजाने के लिए टाइम नहीं। अच्छा, सैकड़ों लोगों के रिश्ते करवाते हैं। लेकिन आपको तो रिश्तों की कमी नहीं ना? हाँ हाँ, रिश्तों की तो कोई कमी नहीं है। फिर भी क्या आजकल वो बहुत बिजी रहते हैं? आजकल तो बिना टाइम लिए वो मुझसे भी बात नहीं करते। अरे भाई, ये बाइस्कोप नहीं, शाहजी का ऑफिस है, लाइन में आइए। चलिए चलिए, आज तो बड़ी भीड़ है। चाचा जी, आपने अपॉइंटमेंट लिया? यस। बहुत अच्छे। मैडम आपने? जी हाँ। नेताजी आपने? जी, मेरी कल ही फोन पे बात हुई थी। उनके पास इतना टाइम था, आपसे बात कर ली। वेरी गुड। मैडम आपने? हाँ जी। अरे बाप रे, आज शाहजी का होगा क्या? मैं आता हूँ, आप बैठिए प्लीज। हैं? हेलो हेलो शाहजी। हेलो हेलो। ओ भाई, पहले ये बताओ कि कौन किस में से बोल रहा है? शाहजी, मुँह से बोल रहा हूँ, फोन पे नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बाहर तो इतनी भीड़ लगी हुई है कि सलाह देते देते रात के 10 बज जाएंगे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि चार चार आदमी को इकट्ठे भेजो अंदर। हैं? इकट्ठे चार चार? हाँ हाँ। अच्छा, अभी भेजता हूँ, तैयार रहना। आप सबने फीस जमा करवा दी है ना? जी हाँ। आपके क्या प्रॉब्लम है? मेरा लड़का 20-22 साल का है, किसी को भी गालियां दे देता है, किसी को भी थप्पड़ मार देता है, उसको छोटा बड़ा बुढ़ा जवान किसी का कोई लिहाज ही नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि अगर उसका यही हाल रहा तो उसको नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसे आदमी की तो डिमांड ही बहुत है, बहुत कामयाब रहेगा। आप ऐसा करें, उसे पुलिस में भर्ती करवा दें। अच्छा जी, पुलिस में? ठीक है। हाँ जी, आप बताइए। शाह जी, मैं आपके इस इलाके का नेता हूँ, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। एक्चुअली क्या है कि आप 5 साल के बाद मिलते हैं ना, तो चेहरा भूल जाता है। खैर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जी, मैं दरअसल आपसे अपने नारे के बारे में सलाह लेने आया हूँ। हमारे पास कई सालों से पुराना नारा चला आ रहा है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। अब गरीबी तो हटती नहीं, उल्टा हमारी बदनामी होती है। आप हमें कोई ऐसा नारा बताइए जो नया हो, जिसमें जान हो। अमीरी हटाओ। अमीरी हटाओ? हाँ, क्योंकि गरीबों को अमीर बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अमीरों को गरीब बनाना फिर भी आसान है। ये ठीक है। क्या बात है शाह जी, अमीरी हटाओ, देश बचाओ, अमीरी। नेता ही नेता ही, आपके पार्टी का दफ्तर नहीं है, आप जरा नारे बाहर लगाए। ठीक है। हाँ जी, आपकी क्या मुसीबत है? शाह जी, मेरी मुसीबत ये है कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। कई डॉक्टरों को बताया लेकिन कोई फायदा नहीं। अच्छा, आप वैसे करते क्या हैं? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ जी। अच्छा, तो आपको दफ्तर में नींद आ जाती है? दफ्तर में तो बहुत ही नींद आती है, 2-3 घंटे झपकियां लेना मेरे लिए मामूली बात है। गुड वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ, आप ऐसा करिए कि अपने घर से तो बेड उठवा ही दीजिए ना, और वहां जैसा मेज कुर्सी आपके दफ्तर में है वो रखवा लें, और कुछ फाइल वगैरह भी रखवा लें। कहने का मतलब यह कि जैसा माहौल आपके दफ्तर का है वैसा माहौल घर में ही पैदा कीजिए। हैं, दफ्तर वाला माहौल? मुझे तो सोचते ही नींद आने लगी। थैंक यू वेरी मच। आइए बैठिए ना, आइए बैठिए बैठिए प्लीज। मैंने एक्चुअली क्या है कि देखा नहीं। आप बताइए ना, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गुलाबो है। ओह, व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम, जस्ट ब्यूटीफुल। आपके तो नाम से ही गुलाब की खुशबू आ रही है। जी, खुशबू नाम से नहीं, पर्स से आ रही है। ये परफ्यूम की शीशी पर्स में खुली रह गई थी। ओह आई सी, लेकिन आपको पर्स में परफ्यूम रखने की क्या जरूरत है? आपके तो अपने नाम की ही महक बड़ी है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो क्या है कि मैं शादी के सिलसिले में आपसे सलाह लेने आई हूँ। मैं समझ गया, आप खूबसूरत हैं, जवान हैं, लेकिन फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही। हो जाएगी, समझेगी, हो गई। मैं क्या समझूं, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं तो अपने बेटे की शादी के बारे में बात करने आई थी, 25 साल का हो गया है वो। ओह आई सी, हो जाएगी, खैर नो प्रॉब्लम, उसकी भी हो जाएगी। आप पर्टिकुलर्स लिखवाइए। हाँ शाहजी, लड़का लंबा है लेकिन उसकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी है, बाहें बराबर है लेकिन बाहर की तरफ टेढ़ी है, नजर कमजोर होने की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, अदरवाइज ही इज वेरी हैंडसम। तो आप ऐसा करिए कि उसे ना ब्रेक डांस की ट्रेनिंग दिलवाएं। ब्रेक डांस? देखिए ब्रेक डांस। मानती है ना? अरे मैडम, ये मॉडर्न डांसिंग में टेढ़े मेढ़े लोगों की बड़ी डिमांड है। वो तो दिनों दिनों में टीवी स्टार बन जाएगा, लड़कियां उसके आगे पीछे चक्कर लगाएंगी। Really? अरे मैडम, आप तो अपने लड़के के लिए 2-3 लाख रुपए डाउरी भी मांग सकती हैं। तो आप फिक्र ना करें, आपका ये डिफेक्टिव पीस प्रीमियम पर बिकेगा, प्रीमियम पर। कुछ पता चला? मैरिज ब्यूरो गए थे ना? मैरिज ब्यूरो भी गया था और ज्योतिषी का चक्कर लगा के भी आ रहा हूं, कोई रिस्पांस नहीं। शाहजी की सलाह क्यों नहीं ले लेते? शाहजी से? देखिए मिस्टर लाल, आज आपने एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते से पहली बार हमसे सलाह मांगी है। आपने बताया ही नहीं कि नीलम के रिश्ते के लिए इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतना हैरान हूं, पिछले 1 महीने से इतनी दौड़ धूप कर रहा हूं, सैकड़ों चिट्ठियां लिख चुका हूं, लेकिन किसी लड़के वाले से कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, पता नहीं कारण क्या है। कारण तो लाल साहब सबको पता ही है, आप एक शरीफ आदमी है, ऑनेस्ट ऑफिसर है, और आजकल के जमाने में ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ कोई भी नाता नहीं जोड़ना चाहता। तो अब इलाज क्या है? इलाज तो क्या है कि आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जानता है? हाँ, हमारे दोस्त है ना मिस्टर बंसल, वो आपकी बात मानते हैं वैसे? हाँ, बहुत अच्छी तरह, उनकी तो इनसे दूर की रिश्तेदारी भी है। अच्छा अच्छा, फिर तो समझो कि काम हो गया। कैसे? आप बंसल साहब से कह के अपने आप पे एक इनकम टैक्स की रेड डलवा लो। रेड डलवा लूं? क्यों भाई? इससे शहर के बड़े बड़े लोगों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपको बहुत अमीर आदमी समझने लगेंगे, फिर देखना आपकी बेटी के रिश्ते के लिए लाइनें लग जाएंगी, लाइनें। मैंने पहले ही कहा था शाहजी से एडवाइस लेने का कोई फायदा नहीं, ले ली सलाह। एक बार सलाह मांगकर देख लेने में हर्जी क्या है? तुम्हारा तो दिमाग खराब है, मैं एक अच्छा वाला रेपुटेड ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ, एक बार रेट पड़ गई तो सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल लाल साहब बड़े पुराने ख्यालों के आदमी हैं, इन्हें अच्छी रेपुटेशन और बुरी रेपुटेशन में फर्क ही नहीं पता, इन्हें पता ही नहीं कि ईमानदारी आजकल एक दिमागी बीमारी समझी जाती है। पहले पहल तो मुझे भी इनकी सलाहें बड़ी बुरी लगती थी, लेकिन आजकल इनकी दुकान पे जाओ तो सैकड़ों लोग इनसे सलाहें लेने आते हैं। मेरा दिल भी यही कहता है कि एक बार शाहजी की सलाह जरूर आजमा लेनी चाहिए। तुम्हारी मर्जी, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया। भाई दिमाग तो आपका कभी चला ही, अगर इनका दिमाग चलता होता तो ईटीओ होते हुए दर दर की ठोकरें खाते। मैं आज ही बंसल साहब से बात करती हूँ और 1-2 दिन में ही रेड करवाती हूँ। हेलो 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 नीलम, नीलम तुम बोलती क्यों नहीं? नीलम, मैं राजन बोल रहा हूँ। मुझे आइंदा फोन मत करना। नीलम प्लीज मुझे बताओ तो सही, मेरा कसूर क्या है? ना डैडी कुछ बताते हैं ना तुम कुछ बताते हो। नीलम प्लीज, तुम्हारा खानदान एक लालची खानदान है,
अगर वो तुम्हारे पिताजी ना होते तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। लेकिन वो लड़का जो दिन रात दहेज के विरुद्ध नारे लगाया करता था, उसी के पिताजी रिश्ते की बात शुरू ही दहेज से करते हैं। ओह, मैं डैडी से बात करूंगा नीलम। तुम जिससे मर्जी चाहे बात करना, मगर मुझसे नहीं। नीलम, डैडी, डैडी आपने ठीक नहीं किया। आपको नीलम के पेरेंट्स से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी डैडी। ओफो, मुझे पता है किस आदमी से कैसे बात करनी चाहिए। डैडी, आपने डैडी जैसे ईमानदार आदमी से दहेज मांग के उनका दिल तोड़ दिया। मोहनलाल जी को खुशखबरी है फिर? कैसे कैसे खुशखबरी? मतलब कोई रेड शेड नहीं हुई अभी तक? नहीं, रेड तो नहीं हुई अब तक। नहीं, आपकी वैसे बंसल साहब से बात हो गई थी? नहीं, बंसल साहब से बात तो हुई थी मगर मेरा मतलब अगर बंसल साहब से बात नहीं बनती तो हम किसी एमपी या एमएलए की सवारी ढूंढ लेते हैं। जरूरी है। हाँ, रेट तो जरूरी है ना भाई। देखता हूँ कौन है भाई। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आइए आइए, आप ही के इंतजार हो रही थी। आइए 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 आइए, ये सब। वैसे भाई दिव्या, आप इतने सीरियस क्यों हैं? हमारे आने की खबर पहले से ही कैसे लीक हो गई? ये तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। हाँ हाँ, अच्छा आप सिर्फ दो ही आदमी कनेक्ट करेंगे रेड? आपको पहले हम ये सोफे वगैरह उधेड़ के दिखाएं या आप लॉकर चेक करेंगे? देखिए, ये जो इनकम टैक्स की रेड होती है ये बड़ी सीक्रेट होती है। आपको तो मालूम ही नहीं होना चाहिए कि इनकम टैक्स की रेड होने वाली है। आपको पता कैसे चला? बस आप में से किसी ने बताया होगा। हम में से क्यों इंस्पेक्टर, ये बात तुमने ली की है? नहीं सर, मुझे तो आप पर शक है। शट अप। अगर ये बात ऊपर तक पहुंच गई कि इन लोगों को रेड के बारे में पहले से ही मालूम था तो अपनी नौकरी भी जा सकती है। घबराइए नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हमें मालूम है कि आपको इस रेड में कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों, आपने सारी ब्लैक मनी कहीं छिपा दी है? नहीं, ब्लैक मनी है ही नहीं छिपाने का। तो फिर मेरा मतलब यह है कि आप कुछ ब्लैक मनी अपने पास रख के छापा मारना। क्या बात कर रहे हैं आप, अब हम खुद अपना पैसा रख के छापा मारे? तो ना मारे भाई, तो हम लोगों में ये बात फैला देंगे कि आपने रेड के बारे में हमें पहले बता दिया था और हमने अपनी सारी ब्लैक मनी छिपा दी। इंस्पेक्टर, क्या करें, ये तो हमें फंसा ही देंगे। सर, हम घर की छानबीन करते हैं, कुछ ना कुछ तो इलीगल मिलेगा। ये लीजिए सारी चाबियां और डाली रेड। चलो भाई देखते हैं। सर। ओ भाई इंस्पेक्टर, इधर इधर भाई, इधर इधर। हाँ जी, कुछ मिला? सर वैसे कमाल है, एक बोतल विदेशी शराब की नहीं मिली। तभी तो मैं कहता हूँ कि आपको रेड के लिए जो जरूरी चाहिए ना, आप मंगवा के रख लें। इसमें आपकी भी इज्जत बच जाएगी और हमारी भी, वरना साफ लोग आप पे शक करेंगे कि एक ईटीओ के घर में छापा पड़ा और एक भी इम्पोर्टेड चीज नहीं मिली। करेक्ट इंस्पेक्टर, मुझे इसकी सलाह ठीक लग रही है। भाई छापा पड़े तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, आफ्टर ऑल इनकम टैक्स की रेड है। मुबारक हो राम भरोसे, आपके साहब के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है। चलो
भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन आपके साहब ने इतना रुपया कमाया और आपको पता तक नहीं चला। चलो अब पता चल गया, सारी अगली पिछली कसर निकाल लूंगा। अभी परसों ही तो रेड हुई है, कल ही कल में कितने बिजनेसमैन मुझे मिठाई के डब्बे देखेंगे और बोले हमारी फाइल का क्या हुआ। साहब के साथ साथ सोसाइटी में तुम्हारी भी इज्जत बढ़ गई। वाह, दो दिनों में 500 लेटर्स और 200 फोटोग्राफ्स आ गए। इतने दिनों ये लोग कहाँ थे? अरे देखिए तो कितना अच्छा लड़का है, डॉक्टर है डॉक्टर। ये क्या काम है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चार चार फैक्ट्रियां है इसकी, बाप करोड़पति है। वाह शाहजी, आपने तो कमाल की सलाह दी है, मान गए भाई आपको। आप लोग बैठिए, मैं देखता हूं। हेलो हेलो लाल साहब, ना कोई चिट्ठी, ना पत्र, ना टेलीफोन, ना कोई फैक्स। अच्छा सक्सेना साहब, विजिलेंस ऑफिसर का हो। चलो चलो चलो, आप भी जल्दी आओ। आइए सक्सेना साहब, आओ बैठो, आराम से बैठो, अपना ही घर है। इनसे इनसे मिलिए, मेरे मित्र शाहजी, बड़े अच्छे पड़ोसी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम सक्सेना विजिलेंस ऑफिसर बनारस उफ वाराणसी। कमाल है भाई साहब, आपने मुझे टेलीफोन नहीं किया। मैंने बैठिए, आपने तो कहा था कि मैं टेलीफोन करके खुद ही इत्तला करूंगा। मैंने कहा था, मैं समझा कि आपने टेलीफोन करना था। ओफो भाई साहब, ये तो बहुत भुलक्कड़ हैं। मैं इनसे रोज कहती थी कि जाओ लाल साहब से मिलकर आओ और उनसे बात करो। मुझे तो उसी दिन आपकी लड़की पसंद आ गई थी। हाँ, कहाँ है हमारी नीलम बेटी? यूनिवर्सिटी गई है, बस आती ही होगी। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, मुझे तो उसी वक्त आपकी लड़की इतनी पसंद आई थी, सच्ची बात है। मेरा मन कहता था उसी वक्त उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं। शाहजी मैं नमस्ते जी, मोहनलाल जी यही रहते हैं? हम उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में बात करने आए थे, उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी थी। क्या है कि कुछ मेहमान बैठे हैं, मैं अभी पूछ के बताता हूँ। आप जरा बाहर लॉन में बैठिए, वहां कुर्सियां पड़ी हैं। एक मिनट बस, एक मिनट, अभी आया। ओ लाल साहब, क्या है, बाहर एक और रिश्ते वाली पार्टी आ गई है। अच्छा, मैंने बोल दिया कि बाहर वेट करें, वो बैठेंगे, वेट कर रहे हैं वो। थैंक यू। मतलब कि हम बात पक्की समझे? अजी हमारी तरफ से तो उसी दिन बात पक्की थी। लड़की से हम एक बार पूछ तो ले। मैं तो कहती हूँ लड़का लड़की को आपस में मिलवा दो। यू आर राइट, एक बार आपस में बात तो कर ले। बात तो सही है, पता चल जाएगा कि लड़का बोल भी सकता है या नहीं। बेटा स्पीक। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, एक ही बात है, आफ्टर ऑल इट इज डे। बैठे बैठे कुछ नहीं हो, जरा टेलीफोन की घंटी है, मैं देखता हूँ जरा। हेलो जी, जी हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, अच्छा हाँ, अच्छा एक मिनट मैं पूछ के बताता हूँ। वो लाल साहब, वो मैरिज ब्यूरो से फोन आया, वो कह रहे हैं कि दो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो एक डॉक्टर है एक इंजीनियर। वो डॉक्टर का प्लस पॉइंट ये है कि जो उसकी मदर है ना, वो बड़ी बीमार रहती है, ना उसके नाक होना है ना दांत है, क्या कि शी इज टोटली हार्मलेस, मतलब कि बहू को सांस से बिल्कुल डर नहीं। बाय द वे, मिसेस सक्सेना भी बहुत कमजोर है, ये तो बेचारी किसी को डांट भी नहीं सकती। शी हैज गॉट स्पॉन्डिलाइटिस। वेरी गुड वेरी गुड। चक्कर भी आते हैं, ये तो बेचारी चुपचाप अकेले बैठे रहती हैं, आज बड़ी मुश्किल से तैयार होके आई है। एज ए मदर इन लॉ तो ये भी ठीक रहेगी। तो हम रिश्ता पक्का समझे? ओह, मुझे लगता है कोई और रिश्ते वाले आ गए। हाँ। मैं देखता हूँ। भाई साहब, ये है 100 रुपए, नीलम हमारी हो गई। नहीं नहीं, एक दफे नीलम से पहले पूछ तो लें। आप मना लीजिए, नहीं तो मैं बना लूंगा। मैं मना लूंगी, हम बना लेंगे, चाहे सारी दुनिया मान जाए, लेकिन ये राजन नहीं मानेगा। एक ही जिद पकड़े हुए है कि शादी करवाएगा तो बिना दहेज के। आप इसे शाहजी के पास क्यों नहीं ले जाते, शायद वो इसे समझा दे। कौन शाहजी? आप नहीं जानते, वो शहर का बहुत बड़ा कंसल्टेंट है, बहुत सारे लोग उसकी सलाह लेते हैं। हाँ, उसकी सलाह होती है थोड़ी उल्टी, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल। देखिए, मुझे इस बात का लालच बिल्कुल नहीं है कि बेटे के शादी में 20-25 लाख का दहेज मिले। भगवान का दिया हुआ मेरे पास खूब पैसा है। मैं तो दहेज सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि बिना दहेज के लड़के की वैल्यू पता नहीं लगती। अब आप अपने बेटे के बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि अब आप
बिल्कुल ठीक जगह आए हैं सलाह लेने। देखिए वैसे मैं किसी की सलाह वाला बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन क्या करूं, मेरा लड़का ही अजीब है, कहता है बिना दहेज के शादी करवाऊंगा। क्यों बे, तुम्हें शर्म नहीं आती आजकल के जमाने में ऐसी बातें करते हुए? देखिए मैंने ये प्रण किया है कि अगर शादी करवाऊंगा तो बिना दहेज। तो बेटा मैंने भी प्रण किया है कि बहू घर में बाद में आएगी, लेकिन दहेज पहले। ठीक है मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ, अब आप लोग चलिए हैं, मैं कल तक आपको जरूर कुछ ना कुछ सोचकर बता दूंगा है। अब मेरी दुकान बंद होने का टाइम हो रहा है जरा। हेलो। अरे वाह नीलम, तुम यहाँ कैसे? अंकल मैं यहाँ अपनी एक सहेली के घर आई थी, सोचा आपसे भी मिलती जाऊँ। सुना है बहुत लोग आते हैं आपके यहाँ सलाह लेने। थोड़ी देर पहले इतने ग्राहक थे, बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें भुगता के हटाऊं। वो क्या कि पंप भी जरा जल्दी चला गया ना, तो आप घर जा रहे हो ना? हाँ हाँ, तुमने भी घर ही जाना ना? हाँ, इसीलिए तो आई थी कि आपसे लिफ्ट भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको तो बड़ा मजा आता होगा सलाह देने में। बड़े मजेदार लोग आते हैं, अभी अभी एक बाप बेटा आए थे, बाप बड़ा अमीर आदमी है। ये जो बाहर निकल रहे थे? हाँ, वो बाप कहता है कि मैं दहेज के बगैर दुल्हन का पांव घर में नहीं पड़ने दूंगा, और बेटा कहता है कि मैं दहेज में एक पैसा नहीं लूंगा। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब राजन वाकई ही दहेज के विरुद्ध है। तुम जानती हो राजन को? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, राजन का तो कोई कसूर ही नहीं। अरे नीलम, मुझे तो मालूम है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे डैडी की समझ नहीं आई। वो जो कि ईमानदारी की मिसाल माने जाते थे, उनके पास इतना काला धन कहां से आ गया? तुम मेरा यकीन करो राजन, वो अब भी ईमानदार हैं। वो तो सिर्फ एक झूठी रेट थी जो हम लोगों ने जानबूझकर डलवाई। क्या? और तुम्हें पता है उस रेट के बाद मेरे रिश्ते के हजारों खत आए। ये दुनिया बड़ी उल्टी है राजन, यहाँ ईमानदारों की नहीं रिश्वतखोरों की इज्जत की जाती है। टू हेल विद दिस वर्ल्ड। नीलम मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अपने डैडी को कैसे मनाओगे? तुम्हारे डैडी को तो मैं यूं मना लूंगा, ऐसी सलाह दूंगा कि फौरन शादी के लिए मान जाएंगे। वो कैसे? राजन जी फोन सामने रखो, लो शायद अपने डैडी से बात करो। हाँ जी। शाजी बेल जा रही। हेलो। हाँ शाजी है। हाँ, वो क्या सोचा आपने हमारे प्रॉब्लम के बारे में? हाँ, मैंने सोचा कि आपकी बात सही है, अगर राजन की शादी में दहेज नहीं आएगा तो आपकी तो नाक कट जाएगी, और आपकी कटी हुई नाक देखकर आपके पूर्वज नरक में ठाके मार मार के रोएंगे। लेकिन मेरे पूर्वज तो स्वर्ग में हैं। वो पूर्वज चाहे नरक में हो या स्वर्ग में, उनसे आपकी हालत नहीं देखी जाएगी। फिर क्या किया जाए? एक ही इलाज है, दहेज आएगा और जरूर आएगा, लेकिन लड़की वालों को पैसों से नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो जो आपको चाहिए खुद खरीद कर लड़की वालों के घर पहुंचा दें। शादी के बाद बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ सारा सामान आपके घर पहुंच जाएगा। और कैश? कैश का तो ये कि कैश जितना आपको चाहिए आप पहले ही लड़की वालों के बैंक में जमा करा दें। कैसी अजीब सलाह है भाई। ठीक सलाह, आप जरा ध्यान से सोचिए, इस तरह राजन का भी प्राण नहीं टूटेगा, क्योंकि डोरी लड़की वालों की तरफ से नहीं है, और इससे आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और लड़की वालों की भी। थोड़ा सोच लेने दो, अभी लड़की भी ढूंढनी है और इज्जतदार खानदान भी ढूंढना है। वेजी ऐसे है कि लड़की लड़के ने ढूंढ ली है। कौन सी लड़की? यार अपने मोहनलाल जी है ना जो ईटीओ, उनकी बेटी नीलम, वो अपना राजन भी अपने पास ही बैठा, उसने भी हाँ कर दिया है। मोहनलाल वो जिसके यहाँ रेड हुई थी? हाँ हाँ वही वही। अरे वो तो बहुत अच्छा घराना है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है उनकी। मुझे रिश्ता मंजूर है। वेद जी को रिश्ता मंजूर है, बधाई हो। ले ले प्यारे सलत, ले ले मान मेरी एडवाइस। ले ले प्यारे सलत, ले ले मान मेरी एडवाइस, फ्यूचर कर ले ब्राई। की एडवाइस
अक्सर तेरा पाजी हो, बीवी करना राजी हो, कहा अक्सर तेरा पाजी हो, बीवी करना राजी हो, हार गया तू बाजी हो। ओ ले ले प्यारे सलात ले ले, मान मेरी एडवाइस है, ले ले प्यारे सलात ले ले, मान मेरी एडवाइस, फ्यूचर कर ले ब्राइट।